ओम साई राम साई भक्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि इस दुनिया में कोरोना महामारी ने सबका जीना दुर्भर कर दिया है। सब प्रकार के लोग इससे बच नहीं पा रहे और अपना मुंह पे मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग कर घूम रहे हैं या घरों में बैठे हैं। यहाँ तक कि मंदिरों के दरवाजे भी बंद हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इस मानव जाति ने, हम सब लोगों ने मिलकर कुछ ऐसे कर्म किए कि हम अपना मुंह छुपा कर घूम रहे हैं और भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है। ये समय इस चीज को इंगित करता है कि हम सब लोग प्रकृति के प्रकोप से, यानी कि प्रलय से आने का इशारा है। ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये शायद अगर हम ज्ञान की आंखों से देखें, अगर इसके तत्व ज्ञान को जानें, अगर इसमें अंदर उतर कर सोचें, तो जरूर ही हम सब लोगों से भूल चुके हुए हैं। हमारे कार्य करने के तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे मिलने के तरीके, सब में स्वार्थ नजर आता है। हम सब लोग इस दुनिया की चकाचौंध में, इस दुनिया की मोह माया में इतने व्यस्त हैं, इतने त्रस्त हैं कि हम शायद अपना इस जीवन का, इस मानव जीवन के महत्व को भूल चुके हैं। जीवन का महत्व क्या है, जीवन क्या है, क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है? ये जीवन हमें क्यों मिला, क्या इसके बारे में कभी हमने सोचा है? अगर हम इसके बारे में थोड़ा भी सोचें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम सब लोग इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं। समय पूरा हो जाने के बाद में हमें यहाँ से जाना होता है। कोई भी संसार में नहीं रुकता और इस संसार में आकर हम सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, परंतु इस जीवन में, इस छोटे से जीवन में सुख कम है और दुख ज्यादा है, और इन दुखों के साथ में कुछ दैविक प्रकोप भी होते रहते हैं, यानी कि प्रलय जैसी घटना होना, सुनामी आना, कोरोना आना, इस प्रकार के अर्थक्वेक आना, कितनी चीजें होती हैं जो हमारे ध्यान को इंगित कराती है कि ये संसार जो है, ये हमारे रहने का स्थान नहीं है, ये हमारे शाश्वत स्थान नहीं है, परमानेंट स्टे ऑफ लिविंग नहीं है। हम इस दुनिया में, इस संसार में कुछ कार्य करने आए हैं और इस संसार से जाना ही है। तो मेरे साईं भक्तों, अगर हम इस चीज की और गहराई में जाएं और जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, इस माया की चकाचौंध के अंदर में सब कुछ भूल जाते हैं। ये जीवन जो प्राप्त हुआ है, इसको व्यर्थ कर देते हैं। जिस प्रकार एक मुट्ठी भर रेत हम पकड़ते हैं और मुट्ठी से रेत फिसल जाती है, इस तरह से जीवन हमारा पल पल निकला जा रहा है। ये सांसें जो बहुत कीमती हैं, ये मानव जन्म बहुत ही बेशकीमती है। अगर हमें इन सांसों की को तोलना ही है तराजू में, तो जाकर किसी अस्पताल में देखें, वेंटिलेटर पे बैठे लेटे हुए मरीजों को देखें, तो पता लगेगा कि कितने पैसे देकर भी वो सांसें नहीं अपनी जोड़ पाते।
तो साईं भक्तों, हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। वो ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो कि मैं कौन हूं। अज्ञान के कारण हम लोग इस संसार में दुख पाते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश गुरु कृपा से मिल जाता है तो हम जान जाते हैं कि जीवन मात्र, ये संसार मात्र झूठा है, सत्य नहीं है। और अगर संसार के साथ में ये संसारिक रिश्ते, संसारिक वस्तुएं भी झूठी हैं, ये सब यहीं रह जाती हैं, यहीं मिलती हैं और यहीं रह जाती हैं। इन सब के मालिक हम नहीं हैं। इन सब का मालिक वो एक परम परमात्मा ईश्वर है। आप सब लोग सोचिए, क्या हम इस जीवन में, हम इस संसार में रहने के लिए आए हैं? नहीं। जब से जन्म होता है तब से लेके हम हर दिन मौत के आगोश की तरफ बढ़ते हैं, काल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिदिन हम काल के मुंह में जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जीवन फिसलता जा रहा है। क्यों ना हम इस जीवन की सार्थकता को पहचानें, उस ज्ञान को हासिल करें, ताकि ज्ञान हासिल होगा तो अज्ञान दूर होगा, अज्ञान दूर होगा तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। जो कार्य हम यहाँ करने आए हैं वो परमात्मा के दर्शन, परमात्मा को पाने का कार्य है। और ज्ञान से ही हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, ज्ञान होने से ही हम भक्ति कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के हमारी भक्ति में दोष होते हैं, हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें अपने और ईश्वर के रिलेशनशिप के बारे में पता लगता है, और ये जान पाते हैं कि वही हमारे परम पिता, हमारी माता, हमारा सब कुछ है। वो जन जन्मांतर के हमारे साथी हैं और उन्हीं के घर हमें वापस जाना है, वही हमारा परमानेंट होम है। ये संसार हमारा परमानेंट होम नहीं है, ये संसार रिश्ते मात्र शरीर के साथ हैं। सब लोग जागिए और इस कोरोना महामारी से कुछ सीखिए, सीखिए कि हम किस प्रकार के हम कर्म किए हमने, जी हमें आज अपने मुंह छुपा के घूमने पड़ते हैं, कि आज मंदिरों के, भगवान के दरवाजे भी बंद हैं। सोचिए, जरा इस बात पे सोचिए, श्री साईं सुचित्र पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, श्री साईं ज्ञानेश्वरी पढ़िए। श्री साईं ज्ञानेश्वरी में शास्त्रों का निचोड़ है, उसका सार है, और एक छोटी सी किताब के अंदर में वह ज्ञान उपलब्ध है जिससे अज्ञान का, इस मोह माया का विनाश होता है और परम शुद्ध उज्जवल ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसमें आत्म साक्षात्कार की विद्या है। अगर हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे तो इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे, विवेकी कैसे बनेंगे, कैसे पता लगेगा कि हम कौन हैं, ईश्वर कौन है, संसार क्या है? अपने आप को जानिए, श्री साईं ज्ञानेश्वरी पढ़िए। आप सब भक्तों के लिए ही श्री साईं ज्ञानेश्वरी का साईं बाबा ने प्रेरणा देकर इसका, इस किताब को बनवाया है। दासगुरु महाराज के काव्यों पर, मराठी काव्य पर आधारित श्री साईं ज्ञानेश्वरी एक छोटा सा गागर है जो उसमें सागर समाया हुआ है, ज्ञान का सागर समाया है। इस छोटी सी किताब को मात्र कुछ घंटों में आप पढ़कर अपने आप को ज्ञानी बना सकते हैं, अज्ञान का विनाश कर सकते हैं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी जरूर पढ़िए, आपका कल्याण होगा। जो भक्त इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो कृपया करके मुझको फोन करें या मैसेज दें। मेरा नंबर है 9711200830। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
1120083 आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस ग्रंथ को, इस किताब को आप फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा आप सब साईं भक्तों के लिए है जो श्री साईं बाबा जी द्वारा प्रेरित कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर करते हैं श्री साईं सुप्रीम ट्रस्ट के द्वारा। साईं भक्तों, ओम साईं राम। आप जहाँ भी हैं बाबा की कृपा बनी रहे। बाबा आप सबके दिलों में आत्मा के रूप में विराजमान हैं। आप बाबा के दर्शन अपनी आत्मा में कीजिए, वो कहीं और नहीं, आपके साथ हैं। आप घरों में बैठकर लॉकडाउन में बाबा को, अपनी आत्मा को जानिए और उनसे शुद्ध प्रेम कीजिए, बाबा की भक्ति कीजिए। इस कलयुग के अवतार साईं बाबा बहुत ही दयालु हैं, हमारी गलतियों को पल भर में माफ कर देते हैं अगर हम अनन्य भाव से, अहंकार रहित होकर उनकी शरण में जाते हैं। साईं भक्तों, देर क्या क्यों करते हो? जानिए, अगली कोई महामारी आए या इस दुनिया का प्रलय हो, अगर हम बाबा से जुड़ गए तो हम इस जीवन में ही बाबा को पा जाएंगे, अपने मोक्ष को पा जाएंगे, उस परम तत्व को पा जाएंगे जिसको पाने के लिए हमने इस संसार में आए हैं। अगर हमारे देह की पूर्ति होती है, क्योंकि अगर हम देह की पूर्ति नहीं कर पाते तो इस संसार में बार बार आना पड़ता है, दुख झेलने पड़ते हैं। इस संसार में आना, इस संसार को झेलना, दुखों को झेलना आसान नहीं है। इनसे मुक्ति ही असली सुख है और जीवन मरण के चक्र में फंसना ही सही मायने में दुख है। इन दुखों से निकलिए, मुक्ति प्राप्त कीजिए, मोक्ष प्राप्त कीजिए। अपनी आत्मा, जो बाबा की आत्मा है, उसको बाबा को सौंपिए। आपका कल्याण होगा, आप अमर होंगे, आप कभी नहीं मरेंगे, आप हमेशा अमर होंगे। बाबा के साथ एकाकार करके आप भी बाबा बन जाएंगे। जय साईं राम। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का अध्ययन एक बार जरूर करिएगा। जय साईं राम। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आप सब लोगों पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं इस छोटे से वीडियो का अंत करता हूँ। जय साईं।